ऑन कीजिए, लक्ष्मी ऑन कीजिए बाबू, लक्ष्मी ऑन कीजिए। देखो इसमें क्या करना बाबू, फर्स्ट ऑफ ऑल बाबू यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाबू, है ना। अब मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो जो आएगा, उसके बाद एक्स में क्या, एक्स की जगह वन रख देना, वाई की जगह क्या रख देना, टू रख देना, जेड की जगह थ्री रख देना, है ना। और उसके बाद सिंप्लीफाई करना, तो इसका जो आंसर ऑब्टेंड होगा बाबू, इसका जो आंसर आएगा बाबू, आप लोग कीजिएगा, -567 आ जाएगा, 576 आ जाएगा, ठीक। तो इतना बाबू मेरा मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन का बाबू कंसेप्ट खत्म होता। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे कैसन का सर, ऐसा वाला डराने वाला, 3x बाबू मल्टीप्लाई बाबू 2x प्लस 3, मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ। ये सब बाबू क्या था, सारे जगह मोनोमियल मोनोमियल, सारे जगह क्या था, मोनोमियल था। अब मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ पढ़ेंगे, है ना, बाइनोमियल के साथ पढ़ेंगे, तो स्क्वायर प्लस 9x, ठीक है ना। ठीक है, तो अगर ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ये वाला तो चुटकी है, ये वाला तो चुटकी है, बेसिक बाबू यही कंसेप्ट इसमें भी यूज करेंगे ना। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, केस नंबर 2 बाबू, केस 1 हो गया, केस 2 पढ़ेंगे 17 नंबर से। ऐसे टाइम आउट होता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ने वाला नहीं है उसके लिए समस्या। एक सेकंड बीच में इंटरवल मिलना चाहिए, एक सेकंड में मतलब स्टूडेंट पढ़ने वाला नहीं है छोड़ दीजिए, पढ़ेगा नहीं तो उसकी गलती है ना, हमारी क्या है उसमें। अच्छा चलो ठीक, आपको कौन लगता है जो पढ़ने वाला नहीं? अरे शैतान, आप लोग सब शैतान हो, खाली सकल से मासूम हो, बातें खाली गोल गोल करोगे। नेक्स्ट बाबू मल्टीप्लिकेशन है बाबू, केस नंबर टू वो केस फर्स्ट था बाबू, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, केस फर्स्ट हो गया, केस टू हो गया, या टाइप टू कर सकते हैं मल्टी बाबू, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन और बाबू मोनोमियल, मोनोमियल एकदम एल के जी वाला, कहां बाबू एल के जी वाला मोनोमियल, शैतान इनको खत्म हो गया, मल्टीप्लिकेशन अबाउ मोनोमियल, है ना। मोनोमियल सर, लक्ष्मी मान से पढ़ना बाबू, मोनोमियल विथ बाबू मोनोमियल टू बाइनोमियल, मोनोमियल विथ बाइनोमियल, बाइनोमियल है ना। मोनोमियल क्या होता है सर, जिसमें एक ही टर्म रहे। बाइनोमियल क्या होता है सर, जिसमें दो टर्म रहे, है ना। फॉर एग्जांपल बाबू देखो, एकदम एल के जी का चीज है। एग्जांपल नंबर बाबू 17 हुआ था ना, 17 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। 16 तक खत्म हुआ, 17 से कंटिन्यू करें। जैसे क्या है सर, 2 है सर, एकदम एल के जी का। मान लो 3 है सर, 3x है सर, और प्लस कितना बाबू 2 है। अब शांति से देखो, दो चार को देखो, विजयन मत रोइएगा, पहले हम लोग क्या करें बाबू। अच्छा ठीक है, इस टू को बाबू इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस टू को इसके साथ यहाँ वाला टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ क्या है 3x है, तो 3x करेंगे, बीच में प्लस है बाबू तो प्लस। शांति से सीखो, ये वाला बाबू सीख गया ना तो आगे बाबू आप लोग एकदम बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर डालो। हमने क्या बोला, मोनोमियल बाबू, यहाँ पे एक ही टर्म है ना बाबू, मोनोमियल हो गया। ये क्या है सर, बाइनोमियल है, ये क्या है, दो टर्म है तो बाइनोमियल हो गया। तो मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना, तो कैसे करेंगे सर, देखो कैसे करोगे, इस टू को बाबू इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, बीच में प्लस है प्लस दो, फिर बाबू क्या करो, इस टू को बाबू इस टू के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 2 हो गया सर मल्टीप्लाई 2 हो गया। लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, अभी लिखो मत। नेक्स्ट, तीन चार को पहले कराने दो, इसी में माइनस प्लस भेज देंगे ना तो पसीना छूट जाएगा, पहले तो समझो तो आराम से। 3 है बाबू, ठीक है बाबू। नेक्स्ट 4x स्क्वायर बाबू अब प्लस 5x है, ठीक। तो जनरल अब शांति से सुनो, ब्रैकेट है, एक नंबर है, तो बीच में हम लोग मल्टीप्लिकेशन सिंबल नहीं देते। अरे म्यूट करो ना बाबू, किसका ना म्यूट है सर, 12x स्क्वायर प्लस 15। अंकित बाबू म्यूट कर, अंकित पटेल नगर म्यूट करो, 12x स्क्वायर
आता तो ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अरे ठीक ठीक है चाचा शांति से सुनो। देखो बाबू यहाँ क्या है, बीच में नहीं कुछ दिया हुआ, मतलब हम लोग क्या समझेंगे, मल्टीप्लिकेशन समझेंगे। तो इस थ्री को किसके साथ पहले मल्टीप्लाई करना है, फोर के साथ, है ना। इस थ्री को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म के साथ, इस टर्म के साथ। तो थ्री मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, फोर एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट इस थ्री को किसके साथ, नेक्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, तो बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस टर्म, थ्री मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, फाइव एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट ई वाला अभी पढ़ा है बाबू, मोनो ई मोनोमियल, ई मोनोमियल तो थ्री इंटू टू टू फोर कितना, ट्वेल्व हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और थ्री इंटू फाइव कितना हो जाएगा, फिफ्टीन हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। सर स्क्वायर छूट गया, अच्छा स्क्वायर छूट, स्क्वायर छूट गया, वेरी गुड, चलो ठीक है। नेक्स्ट बाबू 19 नंबर, सेवन बाई बाबू टू है, अब यहाँ एगो एक्स दे देता, अब हमको डर लगेगा, डर लगेगा, डरना नहीं है सर, नहीं लगेगा डर। यहाँ एक्स स्क्वायर है सर, और यहाँ टू टू बाई अभी एक्स एक्स क्यूब देते हैं, अभी अभी बहुत सारा टाइप आएगा। ठीक बाबू, हमने आपको क्या बोला, यहाँ वाला जो टर्म है, इस टर्म को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इस टर्म के साथ, इसके टर्म के साथ। तो क्या लिखोगे, सेवन बाई टू लिखोगे, एक्स लिखोगे, मल्टीप्लाई बाबू क्या करोगे, एक्स स्क्वायर करोगे, बीच में प्लस है प्लस दो, फिर इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ, ये वाले टर्म के साथ। तो सेवन बाई टू है सर, एक्स है, मल्टीप्लाई में वो क्या टू एक्स क्यू है, टू एक्स रेस टू दी पावर थ्री है, एकदम एल के जी का चीज है। आप लोग बहुत पढ़ने में बहुत तेज हो बाबू, हमको शर्म आ रहा है कि ये सब छोटा मोटा चीज बताने पड़ा, आप लोग का लेवल बहुत ज्यादा है। ये कितना हो गया, सेवन बाई टू हो गया, अभी अभी बताए बाबू, बेस सेम है ना, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, एड होगा, अभी ना बताए, ताजा ताजा दो दिन से यही बता रहे हैं ना। यस सर, जिसको बोला उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया, बोला क्लियर हो गया। तो यहाँ बेस सेम है तो पावर क्या होगा, एड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट कांस्टेंट को एक साथ लिखो सर। तो सेवन बाई टू है बाबू, एगो यहाँ कांस्टेंट है टू हो गया, अब वेरिएबल वाला एक्स हो गया सर, एक्स रेस टू दी पावर थ्री हो गया। नेक्स्ट बाबू, सेवन बाई टू हो गया बाबू, एक्स रेस टू दी पावर थ्री हो गया प्लस, देखो डिनोमिनेटर में टू सर, और यहाँ नहीं कुछ है तो क्या वन है, तो डिनोमिनेटर नोमिनेटर अगर नंबर सेम रहता है बाबू तो वो अपने आप दूसरे से मर जाता है, इसको मार दो, सेवन एक्स टू दी पावर फोर। ठीक है, ये सेवन हो गया। अब यहाँ बाबू पावर नहीं कुछ है तो अभी ने बताया बाबू, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, वन प्लस थ्री कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, तो एक्स के पावर फोर हो जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट ना बाबू, यू कैन राइट नाउ। अनुज शैतान, समझ में आ रहा है अनुज? यस सर। हाँ बाबू, गौरव वीडियो ऑन कीजिए, गौरव शैतान समझ में आ रहा बाबू? गौरव सर ये वाला समझ में नहीं आया, 19 नंबर। अच्छा ठीक है, बता देंगे। गौरव, विजयंत समझ में आया बाबू कि नहीं? विजयंत बाबू सर आधा समझ गया था, बनाते बनाते पूरे कंफर्म हो जाऊंगा इसमें, 19 वाले में। क्या कर रही हो स्वाति, बैठ के क्या कर रही बाबू, लिखोगी कखनी शैतान? स्वाति क्या कर रही थी अभी, क्या स्वाति? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं सर, अब आप लोग के लिए बाबू बड़ा सा एलसीडी लाना पड़ेगा हमको, मेरा लैपटॉप से काम नहीं चलता है, एगो इधर शैतानी करता है, एगो उधर करता है। दीपक समझ में आया बाबू? दीपक लाइट नहीं है, दीपक अंधेरा में बैठा है। अच्छा उस मोहल्ला में लाइटें नहीं, धर्मवीर के यहाँ भी नहीं है, मिस्टी के यहाँ भी नहीं, बहुत बढ़िया बाबू। सर मेरे यहाँ भी नहीं है। हाँ कि उस मोहल्ला में नहीं हो तो आप, अरे उस पूरा उस मोहल्ला का पूरा पावर ग्रिड अप चल होगा बाबू, इसीलिए से होगा। अच्छा ठीक है बाबू, जल्दी से राइट ऑन करो सर, ऐसे करते करते हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे सर, इसमें भी बाबू 60-70 क्वेश्चन पहुंच जाएंगे, और उसके बाद बाबू पृथ्वी के किसी भी बुक से क्वेश्चन उठाओ, है ना, आराम से बन जाएगा, देखोगे चुटकी में आंसर आ जाएगा, क्योंकि इतना सारा प्रैक्टिस कोई नहीं कर पाता बाबू। तो यही तो कंसेप्ट क्लास है सर, जो इतना दिन से आपको मिला नहीं, मेरे यहाँ बाबू वही स्टूडेंट टिकेगा ना, जो पढ़ने वाला रहेगा, पढ़ने वाला रहता है वो टिक जाता है और तेज हो जाता है, नहीं पढ़ने वाला है तो उसको तो कोई नहीं पढ़ा सकता। लिखो जल्दी जल्दी लिखो बाबू, एक आध बार सर। हो गया सर, लिख लिए सर, लिख ली। श्रुति, श्रुति शैतान हमारी कहाँ गई श्रुति? सर लिख ली है, खाली वो आकांक्षा नहीं ना आई है आज, आकांक्षा आएगी भी नहीं, वो शैतान ही खाली करती है, पापा जी उसके खुद टीचर हैं बाबू, बताइए।
धर्मवीर आकांक्षा के पापा जी खुद टीचर जानते हैं बाबू। यस धर्मवीर कौन सा सर? यस सर इंग्लिश के सर लगता है। हाँ इंग्लिश के हैं बताइए बाबू। अब बच्चे का ये हाल बहुत दुख होता है। तो क्लास में पढ़ती है बाबू कि नहीं पढ़ती है? अब चुपचाप आप पढ़ते हैं छोड़ो एग्जाम छोड़ो उसका हम लोग अपना एग्जाम देखेंगे। 20 नंबर लिख ले बाबू। रिकॉर्डिंग हो रहा बाबू हो रहा ठीक है। 20 नंबर अब क्या सर यहाँ पे भी थोड़ा सा डराइए तो हमको 3/7 दीजिए सर और 8/10 दीजिए। अब 2/10 दीजिए है ना यहाँ पे थोड़ा सा नहीं बाबू ये वो बताते हैं और यहाँ सर 5/15 कर देते हैं 14/6 दे देते हैं सर और x/z देते हैं। ये स्वाति बाबू नहीं समझ में आ रहा स्वाति काहे से रो रही हो स्वाति शैतान बनाए सर। अरे शैतान अभी क्वेश्चन कहाँ लिखे ये स्वाति रो काहे लग रही बाबू कहाँ नहीं समझ में आ रहा बाबू सर आ रहा है झूठ क्यों बोले बाबू हम इतना दिन से पढ़ा रहे हो तो हमको अंदर मैसेज आ जाता है ठीक है ना कि स्वाति को समझ में नहीं आ रहा जिस स्टूडेंट को नहीं आता मेरे यहाँ मैसेज आ जाता पता नहीं कैसे पता चलता है हमको खुद पता नहीं ठीक है। नेक्स्ट बाबू x²/y²/z² कोई भी काम मन से करोगे ना वो तो आपको पता चल जाएगा सबका इंटरनल बात पता चलेगा सर। लाइन आ गया आगे तो अच्छी बात है चलो ठीक है पढ़ते हम लोग। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म को किसके साथ करेंगे सर इसके साथ करेंगे तो ये मोनोमियल का मोनोमियल हो गया इस पूरे टर्म को एक बार इसके साथ करेंगे फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे डरना क्या है। तो 3/7 है सर x 10 है सर y 10 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई सर 14/ कितना है सर 6 है यहाँ x है y है z है यही तो करना है सर कुछ करना है। नेक्स्ट बाबू प्लस है प्लस दो सर फिर उसी टर्म को x²/y²/z² वेरिएबल को अलग कर मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ बाबू बस ये लेके जी का तो चीज है बाबू इस तरह से स्कूल वाला पढ़ाता नहीं तो नहीं समझ में आता। अब ये वाला है टर्म है सर इस अगर इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करो इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो इसको लिखो मल्टीप्लाई करो x²/y²/z² मल्टीप्लाई करो। अब बाबू ये वाला तो अभी बताए सर मोनोमियल का मोनोमियल वाला अभी बताए बाबू दो दिन से यही बता रहे थे ना 16-17 का क्वेश्चन ये वाला तो अभी नहीं बता है ना ये वाला तो बताइए दें सर ये सारा मोनोमियल हो गया ये वाला भी बताइए दिए बाबू तो आगे हम कोई रॉकेट चीज थोड़ी पढ़ा रहे हैं ये वाला ना पढ़ा रहे हैं बता इसको तो अभी बताएं इसको लिखो 3/7 लिखो कांस्टेंट को एक साथ करो 14/16 करो 6 करो कोई रॉकेट चीज है बाबू एल के जी यू के जी का एक से सर तो एक्स वाले को लिखो x 10 यहाँ से एगो एक्स है सर यहाँ से एगो बाई 10 है सर यहाँ से एगो बाई है बाबू यहाँ से एगो बाई है मल्टीप्लाई बाई है लास्ट में जेड बच गया तो ये इसका काम हो गया। उसी तरह से इसको भी करो और सोल्व करो कीजिए बाबू जल्दी से ये सब कर रहे हैं जल्दी कीजिए मिस्टी जल्दी करो बाबू। गौरव समझ में आ रहा गौरव ये कौन दिखा रहा नहीं दिख रहा सर नहीं दिख रहा बाबू चलो समय 12z और वो 3/7 अच्छा चलो ठीक है समय सर मेरा दिख रहा है सर। हाँ बाबू दिख रहा धुंधला दिख रहा 3/7 12z 2/5 हो जाएगा 3×6 हाँ बाबू 2/5 आएगा शैतान 2/2 आएगा बाबू यस सर नो सर उसको कैंसिल तो 2/2 कैंसिल करेंगे तो 1 है ना आएगा बाबू 1/1 आएगा ठीक है समय ठीक है पीयूष बाबू जल्दी से बना बाबू एल के जी उत्क जीवितेश बाबू समझ में आता है जीवितेश? हाँ सर। हाँ तो बनाइए जल्दी से खाली हाँ से नहीं बोले बनाइए जल्दी से सर हम अपना दिखा दिखाए मोहित दिखाए बाबू मोहित दिखाओ जल्दी से शैतान दो टर्म आएगा ना एक के को लिखाएगा इसको इसका कौन हिसाब किताब करेगा शैतान ही करता है
गलती क्या है, गलती क्या है मोहित बाबू? तो देखो तो मजाक में हम लोग कितना दूर पहुंच गए सर, हमको भी पता नहीं है कि कितना दूर चल गए। मैंने भी बना लिया। वेरी गुड बाबू, देखो जो बना लिया वो अच्छी बात है। 3/7 हो गया बाबू। x^10 सर, x^2 पावर ऐड कर दो, यहाँ बाबू यहाँ है तो डायरेक्ट कर देते x^12। y^10 सर, y^2 तो y^12 सर, और z^2 हो गया है ना। नेक्स्ट बाबू ये 7 से बाबू 14 के टेबल पढ़ो। 7 के 14 में कितना 2 times में आएगा, 3 के टेबल में 6 कितना टाइम्स में आएगा, 2 times में आएगा, और नोमिनेटर में 2 डिनोमिनेटर में 2। इसको फर्दर हम लोग लिखेंगे बाबू 2/2 लिखेंगे। बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, 1 आ जाएगा ना। अरे शैतान करते हैं बाबू, 11 हो जाएगा। यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो y^11 हो जाएगा, और z का z हो जाएगा। ऐसा हल निकाल है, नहीं समझ में आ रहा बाबू? हम ही सुसाइड कर लेंगे, ठीक है ना, आप लोग जेल जाओगे। समझ में आ रहा है तो रो काल रही हो। 3/7 हो गया, नहीं आ रहा समझ में बाबू, मेरा भी सही था। क्या श्रुति क्या बोले बाबू? अरे रुको ना श्रुति, क्या बोले? वेरी गुड लक्ष्मी, हमारे सर जेड स्क्वायर होगा। हाँ जेड स्क्वायर 2/2, यहाँ 2/2 1 हो जाएगा ना, 2/2 1 हो जाएगा दादी। लक्ष्मी सर उसका जेड का जेड स्क्वायर होगा, जेड होगा ना। अरे शैतान यहाँ भी जेड स्क्वायर है बाबू, यहाँ भी जेड स्क्वायर है, तो यहाँ जेड स्क्वायर रह जाएगा ना बाबू, यहाँ सिर्फ जेड हो जाएगा। वेरी गुड, यहाँ सिर्फ जेड हो जाएगा। लक्ष्मी ये हमारी लक्ष्मी कहाँ गई, नहीं मिल रही है। सर 2/2 को कैल्शियम करेंगे तो 1x/11। हाँ 1 आ जाएगा। 1 लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं। हाँ बाबू चलो ठीक है। लक्ष्मी समझ में आता है बाबू? यस सर। लक्ष्मी